फाइनली सुबह हो चुका है यार। हर देखो मैं भी तैयार हो चुका हूँ, हर काफी दिनों बाद ये वर्दी पहना हूँ। और उधर का जो एरिया है ना, मतलब चारों तरफ सिर्फ चपाड़ी चपाड़ है। सर तो लद्दाख में ही मिलेगा यार। और हम अपना पहलवान भाई भी नहीं है और ना ही दूसरा कोई दोस्त है, तो अकेले यहाँ पर आना पड़ रहा है ना। टाइम देखो यार कितना बज रहा है। आप लोगों को चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा होगा। कॉलेज से मैसेज आया है कि आज NCCC का पहला परेड है। और हम लोग का भर्ती कितना दिन रह गया है? 11 दिन ना। कॉलेज से जैसे ही मैसेज आया ना, पूरा का पूरा होश उड़ गया है। अब इधर हम लोग का भर्ती का भी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और उधर लगातार 10 दिन कॉलेज में जाना है, तो देखते हैं आज पहला दिन कैसे बीतता है। वैसे काफ़ी दिनों बाद NCC का वर्दी पहनने को मिलेगा। जो कुछ भी होगा सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और आप लोग भी स्ट्रगल करते रहना मेरे भाई। इसी समय थोड़ा कष्ट होता है यार, बाकी बाद में तो मज़े ही मज़े हैं। चाहे भर्ती हो चाहे ना हो, जरूर कुछ ना कुछ तो पकड़ ही लेंगे, लेकिन अपने तरफ से पूरा का पूरा कोशिश करना है, ठीक है ना। अभी देखो ये दोनों लोग मीटिंग कर रहे हैं, पता नहीं क्या। मतलब हम तो चले जाएंगे कॉलेज में, तो शायद ये रनिंग करने आएगा और ये रनिंग करने आएगा। शाम को आओगे कि नहीं? आएंगे ना, देखो अगर हमको टाइम मिलेगा तो आएंगे। अगर ये रहा अपना सुंदर सा गांव। मैं आप लोगों को दिन में तो अपना पूरा का पूरा गांव दिखाया था, लेकिन रात में कभी भी नहीं दिखाया था। आप लोग देख रहे हो ना किस तरह से सब लोग बिल्कुल मस्त तरीके से सो रहे हैं। और जैसे लग रहा है कि हमारे गाँव में कुत्ता लोग भी नहीं है। पहले मतलब कोई भी गांव में आता था तो सारे के सारे कुत्ते लोग मिलकर बहुत ज़्यादा भौंकते थे। और अभी देखो मैं अपना R15 चलाते हुए जा रहा हूँ और कोई भी कुत्ता हमारे सामने नहीं आ रहा है। और पूरा का पूरा घर में सिर्फ लाइट दिख रहा है, कोई आदमी भी नहीं दिख रहा है यार। तो काफ़ी भयंकर वाला हमारा गाँव हो चुका है। अगर हमारे गाँव में चोरी हो जाएगा ना तो किसी को पता वता नहीं चल पाएगा। अब आप लोग आकर चोरी नहीं करने लग जाना, ठीक है ना। अभी चलते हैं, देखो इसी तरह से अंधेरे में जाना पड़ता है तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है यार। और हमारा गांव का जो गली है ना, वो तो आप लोग देखते ही हो। ये रहा अपना रूम और वो रहा आप लोगों का सिल्वर प्ले बटन। और देखो NCC का वर्दी में कल ही फींच दिया था और ये रहा NCC वाला बूट। 5:33 होने लगे हैं भाई और हम लोग 3 बजे जग जाते हैं। और हमारे गांव में देखे हो ना, अभी भी सब लोग खर्राटा ले रहे हैं, बिल्कुल मस्त तरीके से सो रहे हैं। इधर रहा अपना वर्दी और ये रहा अपना बूट। और देखो अभी थोड़ा थोड़ा अंधेरा है ना, जैसे ही थोड़ा थोड़ा उजाला होगा तो अपना बाइक लेकर कॉलेज के लिए निकल जाऊंगा। अभी कभी दिमाग में आता है यार ये सब हम क्यों कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिलने वाली है, फौज की वर्दी नहीं मिलने वाली है, हम सबसे कमजोर है। जैसे हमें लगता है मतलब सबके मन में ऐसा आता होगा, लेकिन यार ऐसा आप लोगों को करना नहीं है, ठीक है ना, छोड़ना नहीं है। जहाँ तक लड़ना है वहाँ तक लड़ना, अब आगे जो होगा वो देखा जाएगा। अभी हम लोगों को भी तो आगे का कुछ नहीं पता है, लेकिन अपनी वाली कर रहे हैं। अभी देखो रनिंग करके आ चुके हैं, अब जाएंगे 2-3 घंटे जाने में लगेंगे, फिर आने में 2 घंटे लगेंगे, पूरा शाम हो जाएगा। और जब टाइम बचेगा तो शाम को ग्राउंड पर चला जाएगा, और जब टाइम नहीं बचेगा तो रात भर पछताएंगे कि भाई आज नहीं रनिंग कर पाए। तो देखो मिला जुला कर मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जितने लोग भी फौज की तैयारी करते हैं ना, सबकी लाइफ ऐसे ही होती है मेरे भाई। आप लोग ये नहीं सोचना कि मेरा बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मेरा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मेरे इतना प्रॉब्लम तो किसी को होगा ही नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है यार। ऐसे ऐसे बंदे पड़े हैं सब ना, जिसके बारे में जानोगे तो आंसू आ जाएंगे, ठीक है ना। फिलहाल सभी लोगों को अपना तैयारी जारी रखना है, क्योंकि ये समय दोबारा नहीं आएगा। जो करना है इसी समय करो, ठीक है ना। अभी देखो मैं दातुन भी तोड़ लाया हूँ, आप लोग देख सकते हो अंधेरे में ही सब कुछ काम चल जाता है। फाइनली सुबह हो चुका है यार। हर देखो मैं भी तैयार हो चुका हूँ, हर काफ़ी दिनों बाद ये वर्दी पहना हूँ, तो ये वर्दी अभी कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है ना। हर देखो यार आज तो काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो गया है और खाना भी नहीं खा पाया हूँ। और एक बात और है, जैसे हम लोग 3 बजे जग गए थे ना तो बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही है, लेकिन अब क्या किया जाए यार, छोड़ भी नहीं सकते, है ना। तो चलते हैं देखते हैं, वैसे बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। और उधर का जो एरिया है ना, मतलब चारों तरफ सिर्फ चपाड़ी चपाड़ है, कहीं आपको घर नहीं दिखेगा। अभी आप लोग रास्ते में देखना, हर सारे लोगों के मन में ये आएगा नीलेश भाई घर ही से वर्दी पहनकर कॉलेज में जा रहा है, दिखावा कर रहा है। अगर चाहता तो ऊपर का दूसरा कपड़ा पहन लेता और इसको बैग में रख लेता और स्कूल में जाकर ये पूरा बदल लेता। देखो यार ठंडी का टाइम है, ठीक है ना, मैं यहाँ से दूसरा कपड़ा पहन कर जाऊँगा, फिर मुझे बदलना पड़ेगा, फिर से मुझे ये पहनना पड़ेगा। तो इसलिए मैं सोचा हूँ ना, ये कपड़ा बहुत मोटा रहता है और हमको ठंड भी नहीं लगेगा, इसके ऊपर से मतलब स्वेटर पहन लूँगा, उसके बाद से चला जाएगा। तो ये ऐसा नहीं सोचना, ठीक है ना, क्योंकि यार सिचुएशन आप लोग देख सकते हो। और वैसे भी इसके लिए मैं मेहनत किया हूँ मेरे भाई, तो फिर दिखावा किस बात का। जैकेट पहन लिया हूँ, अब सही है, अब चलते हैं, ठीक है ना। और ये रहा अपना हीरो वाला चश्मा, तो काफ़ी खतरनाक वाला चश्मा यार, 100 रुपया में मिल गया है। ये रहा अपना बाइक, और देखो उधर अपनी भैंस लग गई है सब। R15 भी रखा हुआ है, तो ये सिर्फ रात में चलता है। सुबह सुबह ये केला वाला खा रहा है, ये बॉडी सोडी बना रहा है, खाओ खाओ चाप चाप के खाओ। घर से 40 किलोमीटर दूर आ चुके हैं भाई। हर देखो ये हमारे 2 नए दोस्त हैं, तो ये लोग भी हमारे साथ ही NCCC में
में सिलेक्टेड हुए हैं। तो अभी हम लोग के साथ ही ये लोग हमें सेपरेट करने जाएंगे। इस भाई का नाम शिव कुमार है, आदित्य निषाद है। अभी धूप हो चुका है और अभी भी हम लोग अपने कॉलेज में नहीं पहुंचे हैं। अभी कितना लेट हो गया है? लेट तो बहुत हो गया बहुत हो गया ना, एक घंटा लेट हम लोग चल रहे हैं। लेकिन ये भाई ये सब संभाल लेंगे, यही बात करेंगे, ठीक है ना। अभी चलते हैं, अभी तो 15 किलोमीटर दूर और जाना है, ठीक है ना। और ये लोग भी सुबह में रनिंग करके आए हैं, ये शायद 5 किलोमीटर गए थे ना, ये 5 किलोमीटर गए थे और ये भी 5 किलोमीटर। तो ये है हम लोगों की ज़िंदगी मेरे भाई। अभी आगे का कुछ पता ठिकाना नहीं है, लेकिन आप लोग तो देखिए रहे हो सुबह से कैसे कैसे हम लोग स्कूल जा रहे हैं। अभी आगे का कुछ पता नहीं है, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। एरिया आप लोग देख सकते हो, दूर दूर तक यहाँ घर नहीं दिखाई देता है मेरे भाई, इसी तरह सुनसान एरिया है। और ये रोड भी काफ़ी मतलब ख़राब हो चुका है, बहुत सारा ट्रक इस रोड के रास्ते आते हैं ना, इसलिए यार बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है कॉलेज जाने में। और देखो दूर दूर तक कोई भी घर नहीं दिख रहा है, सिर्फ हम ही लोग दिख रहे हैं। अगर किसी दिन चारों तरफ शीत घेरा रहेगा ना, तो और ज़्यादा डर लगेगा इस रास्ते से जब जाएंगे तो, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कितना भयंकर वाला जगह है। ऐसा रोड तो लद्दाख में ही मिलेगा यार, दूर जाना पड़ता है। और दूसरा इस सड़क का हालात देखो, ये नेता लोग बड़े बड़े भाषण देते हैं और इधर देखो कितना भयंकर वाला पानी वानी लगा हुआ है चारों तरफ यार, जैसे लग रहा है यहाँ कोई इंसान ही नहीं आता है। ये रोड बहुत ज़्यादा टूट चुका है, जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे ना वैसे पूरा का पूरा रोड टूटा हुआ मिलेगा। और 2 बजे के बाद जब हम लोग छूटेंगे ना, तो अभी इन भाइयों का घर तो थोड़ा नज़दीक ही है, इन लोगों को जाने में मतलब 1 से 1.5 घंटे लगेंगे, लेकिन हम लोगों को तो 2 घंटे लग जाएंगे। तो अभी ऐसे लग रहा है कि आज शाम को ग्राउंड पर नहीं जा पाएंगे, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। अभी 10 मिनट रेस्ट करेंगे, सारे के सारे लोग बैठे हुए हैं। देखो कुछ लोग इधर भी हैं और कुछ भाई इधर भी हैं, बहुत सारे लोग उधर भी हैं और कुछ लोग उधर भी हैं। तो काफ़ी लंबा चौड़ा जनसंख्या है इस कॉलेज में, ठीक है ना। जहाँ हम लोग पहले NCC करते थे वहाँ पर इतना जनसंख्या नहीं था। आज का दिन तो बड़ा मुश्किल से समाप्त हुआ है भाई, लेकिन दुख ही इस बात का है ना, लगातार यहाँ पर 10 दिन बुला रहे हैं सब यार। इससे पहले जब मैं NCC भी करता था ना, तो वहाँ पर हफ्ते में 3 दिन परेड होता था और 3 दिन छुट्टी रहता था। और यहाँ पर बोल रहे हैं सब कि मतलब लगातार 10 दिन आकर परेड कर लेना है, उसके बाद से छुट्टी हो जाएगा। और इसी में 19 तारीख को हमारा भर्ती है, आप लोग खुद सोचो, मतलब जिस दिन हमारा भर्ती समाप्त होगा उसी दिन यहाँ का परेड भी समाप्त हो जाएगा। तो अपना लाइफ बिल्कुल झंड हो चुका है यार, अब पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। फिलहाल अपनी बारी तो कर रहे हैं भाई, अब आगे का तो कुछ भी नहीं पता है। अब देखो हमको घर जाते जाते पता है कितना टाइम हो जाएगा, अभी मतलब 2:30 बज रहा है, 2:30 हो रहा है और हम 4:30 बजे घर पहुंचेंगे। और हमारा आवाज़ भी नहीं निकल पा रहा है, जैसे थोड़ा मतलब जीभ मुड़ा जा रहा है, इसलिए मुड़ा रहा है। सुबह से अभी खाना नहीं खाया हूँ, जैसे मतलब जब मैं अपने घर से निकला हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा लेट हुआ था, 1-1.5 घंटे लेट मैं ग्राउंड में पहुँचा हूँ। तो वहाँ सिर्फ लेफ्ट राइट करा रहे थे सब और पैर पटकवा रहे थे सब, तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर दिया सब यार। और अभी मैं ऐसा जगह पर हूँ यहाँ मतलब कहीं भी घर नहीं दिखेगा, देखो दूर दूर तक मतलब इसी तरह सुनसान एरिया है, सिर्फ पानी दिखेगा और सिर्फ मतलब पेड़ पौधा दिखेगा, यहाँ कहीं भी घर नहीं दिखेगा। तो अभी घर चलते हैं, यही अपनी लाइफ है, ठीक है ना। और ये जो चश्मा लिया हूँ ना, इससे मैं खुश हूँ और आप लोगों का कमेंट देख देख कर खुश रहता हूँ, बाकी अपने लाइफ में तो दुख ही दुख है यार। आप लोग खुद देखो कितना ज़्यादा परेशानी उठाना पड़ रहा है, 3 बजे से जगे थे और अभी मतलब 3 बजने वाला है, लेकिन तभी भी चैन नहीं मिला है। अब घर जाएंगे, उसके बाद से फिर कल मतलब देखते हैं कल कितना टाइम दे रहे हैं सब, कल भी 8-9 बजे बुला लेंगे सब। तो आने जाने में 2-2 घंटे लग जाएंगे और ग्राउंड पर दौड़ भी नहीं पाएंगे, इसको छोड़ भी तो नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद यहाँ पर NCC मिला है। तो आगे जो होगा वो देखा जाएगा, फिलहाल अपना बाइक उठाते हैं और घर चलते हैं। और देखो अपना पहलवान भाई भी नहीं है और ना ही दूसरा कोई दोस्त है, तो अकेले यहाँ पर आना पड़ रहा है ना, एक तो इसका टेंशन है। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आप लोगों को भी अपना प्रैक्टिस जारी रखना है, ये ऐसा समय है ना, इसको हम लोगों को मतलब बर्बाद नहीं करना है, ठीक है ना, अपने आप में व्यस्त रखना है। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय हिंद।